मंदिर जो है पड़ता है हमारा अर्जुनगंज में। जो लोग लखनऊ में रहते होंगे वो जानते होंगे कि अर्जुनगंज कहाँ पे पड़ता है। तो अगर आप लोग अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं तो आप लोग एक बार आइए और यहाँ पे मणि माता के मंदिर को घूमिए आकर, दर्शन करिए आकर, देखिए। बहुत ही इनकी मान्यता है, बहुत ही ज़्यादा मैं कहियो क्या ही कहूँ मैं। और चलिए फिर चलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं तो आपको दिखाते चलते हैं। जो भी मेरे से बनेगा आप बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए। चलिए अभी प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। और टीटू को यहाँ पे देखिए, टीटू क्या कर रही है, साथ साथ में लगी हुई है। बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए। तो आज शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन हम लोग आए थे यहाँ पे दर्शन करने। और आज के दिन, शुक्रवार के दिन जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा भीड़ है। काफ़ी देर, मतलब कि 1 घंटा लग गया था हम लोग को प्रसाद चढ़ाने में, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है, हम खड़े ही हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है, ये जो मणि माता का मंदिर है ये रोड पे पड़ता है, साइड में छोटा सा बना हुआ है, ये पूरी तरह से बना भी नहीं। लेकिन जो है इनकी मान्यता काफ़ी है, तो काफ़ी लोग यहाँ, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इनकी दर्शन करने। तो देखिए अभी जो है, जैसे जैसे मैं पूजा कर रही हूँ वैसे वैसे ये टीटू भी कर रही हैं। तो अभी हम यहाँ पे पूजा करने के बाद, ये घंटी लिए थे तो हम लोग यहाँ पे जो है घंटी जो है चढ़ाएं। घंटी वाले मंदिर जो है, इनका नाम ही इसीलिए है घंटी वाली माता, क्योंकि यहाँ पे इनकी मान्यता काफ़ी है। और जो भी कोई भी आता है, जो भी मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी हो जाती, तो वो अपना घंटी वगैरह जो भी चढ़ाना होता है इनको चढ़ाता है ना। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं। अब यहाँ पे टीटू को दिख गया टॉय, ये यहाँ पे टॉय लेने लगी। वैसे भी ये कहीं पे भी जाती तो टॉय लिए बिना मानती नहीं है, नहीं दिलाओ तो जिद करने लगती हैं। तो इनको टॉय हम जब तक दिलाएंगे नहीं, तब तक इनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो भैया देखते हैं क्या टॉय ले रही हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या लेना है क्या नहीं। कभी बड़ी गाड़ी ले रही, कभी छोटी गाड़ी। गाइज अभी चलते हैं घर, देखते हैं शाम का क्या प्लान। गाइज अभी हो गई है शाम और हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आपको पता चल जाएगा, बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। टीटू और टीटू के पापा आगे गए हैं और मैं भी निकल रही हूँ बस। हम पहुँच गए हैं डोमिनोज, क्योंकि हमारी पार्टी यहीं होनी है। यहाँ पे इनके पापा आ रहे हैं टीटू के बाइक साइड में लगाकर, पार्किंग में लगाकर। अभी हम ही लोग केवल पहुँचे हैं, बाकी लोगों का वेट कर रहे हैं कि कब आएंगे। फ़ोन किया है, पता चला रास्ते में है, तो अभी हम लोग वेट करते हैं। तब तक हम लोग यहाँ पर, मैं और टीटू यहाँ फ़ोटो सेशन करा रहे हैं अपनी, साथ ही साथ हम लोग यहाँ मस्ती भी कर रहे हैं कुछ। और इधर ये अभी इनकी मौसी भी आ चुकी है और इनके मामा भी आ गए हैं। और बाकी ये इनके पापा इधर अभी ऑर्डर दे रहे हैं। ये हैं इनके मामा, मामा के साथ ये मिलकर बहुत ही मस्ती कर रही हैं। और अभी हम लोग यहाँ, हम लोग सभी लोगों का फ़ोटो सेशन हुआ। अभी ये हमारा केक भी आ चुका है, तो चलिए अभी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करते हैं, बने रहिए व्लॉग में। और यहाँ पे केक टीटू कट कर रही हैं, आप भी देख ही रहे हैं। जब से केक आया इनको ज़्यादा जल्दी पड़ी। एनिवर्सरी में हम लोग ने अपना फैमिली में ही सेलिब्रेशन किया था एनिवर्सरी, ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया था। बस मेरी साइड से हम लोग थे और
मेरी फैमिली थी, मम्मी पापा भाई बहन थे, बाकी दो सिस्टर्स बाहर थी, तो उनकी वीडियो कॉल पे बात हो रही थी। वीडियो कॉल पे वो देख रही थी, आप देख सकते हैं, दोनों सिस्टर और मम्मी पापा हमारे आए नहीं थे, वो कहीं जल्दी बाहर जाते नहीं हैं। तो अभी केक वगैरह कट हो चुका, हम लोग फोटो सेशन भी दोबारा ले रहे हैं। तो गाइज यहाँ हम लोग पिज़्ज़ा का ऑर्डर जो दे के आए थे, पिज़्ज़ा हमारा आ चुका है। अभी हम लोग पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए किस तरह से इंजॉयमेंट किया हम लोग ने, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया है। और यहाँ टीटू भी खूब मस्ती कर रही हैं, आप देख सकते हैं टीटू किस हिसाब से किस तरह से मस्ती कर रही हैं। इनके तो मस्ती और इनके जो है खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हमारी एनिवर्सरी, हम लोगों की एनिवर्सरी थी, खुद ही अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे खुद जाके ऑर्डर करके आई थी, पिज़्ज़ा का ऑर्डर दी थी, अपनी कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दी थी। सॉरी बट उसके लिए मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, किस तरह से इन्होंने ऑर्डर दिया था, क्योंकि जो है फोन बिजी पे थे थोड़ा सा, मतलब एक पे वीडियो कॉल थी, एक पे हो रहा था, इसीलिए मैं जो है इनका वीडियो नहीं शूट कर पाई थी कि इन्होंने क्या क्या किया। तो अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं, हमने मम्मी पापा के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करके पैक करा दिया है। और ये देखिए टीटू कैसी किस तरह से मस्ती करके उतर रही हैं, बदमाशी कर रही हैं और कुछ नहीं। गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा, जैसा भी हो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। दिखाओ टीटू फिर से करके दिखाना, और नेक्स्ट व्लॉग का वेट करिए, तब तक ले बाय बाय।